एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप इसको समझ नहीं पाते तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो कि किस में ग्रेविटेशन की जरूरत होगी। स्टायरिंग ऑफ लिक्विड, स्टायरिंग मतलब क्या होता है, हिलाना यार। लिक्विड को अगर हिलाओगे ऐसे स्टायरिंग, ठीक है, जैसे मान लो ये बोतल है, इस बोतल में लिक्विड है, अगर ग्रेविटी नहीं भी हो ना, ग्रेविटी नहीं भी हो तो भी मैं यहाँ पानी गिरा दूंगा ना, और उसको ऐसे कर दूंगा तो भी ऐसे ऐसे बिखर जाएगा, ठीक है, तो स्पेस में बिखर जाएगा। तो स्टायरिंग आप लिक्विड के लिए, जैसे सेटेलाइट में होता है, ठीक है, तो सेटेलाइट में कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन हो, ठीक है, ग्रेविटेशन नहीं भी हो तभी भी स्टायरिंग कर सकते हो। चलो, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन एक मेथड होता है हीट ट्रांसफर का, जिसमें जो जो अगर ये कंटेनर है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, एक कंटेनर है, अगर हम चाय बनाएं और यहाँ से हम हीट एनर्जी देते हैं, वी गिव द हीट एनर्जी फ्रॉम हियर, और यहाँ से अगर मैं हीट एनर्जी देता हूँ, ठीक है, हीट एनर्जी देता हूँ, तो लिक्विड जो कन्वेक्शन होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है वो गर्म होके ऊपर चला जाता है, और फिर यहाँ जगह खाली हो जाती है, इम्प्टी स्पेस हो जाता है, ठीक है। तो वो ग्रेविटी की वजह से जो हैवी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो इस जगह को भर लेते हैं, और इस तरह से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जो यहाँ जिसको हीट मिली, वो गर्म हो गया, ऊपर चला गया, इसलिए जब हम हीट यहाँ से देते हैं तो टॉप के मॉलिक्यूल सबसे हॉट वाले होंगे यहाँ, ठीक है, और उनकी डेंसिटी कम होगी, इधर डेंसिटी हाइयर होगी, ठंडे वाले इधर रहते हैं, और जो मॉलिक्यूल नीचे आ रहा हो ग्रेविटी की वजह से ही तो आ रहा है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेविटी नहीं है तो कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है, वो नीचे आएगा ही नहीं यार, है भी, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटेशन की तो हमें जरूरत है। कंडक्शन, कंडक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट पड़े हो ना यार, वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स और ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। तो इसमें रेडिएशन देखते ही, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू अर्थ सरफेस, सन से अर्थ के सरफेस पे जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ग्रेविटेशन नहीं हो तभी भी इसे हीट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन तभी पॉसिबल होता है जब ग्रेविटी हो, मतलब अगर सेटेलाइट हो, ठीक है, उस सेटेलाइट में, ठीक है, ग्रेविटी नहीं हो तो ये जो ऐसे गर्म नहीं कर सकते, मेथड बदलना पड़ेगा आपको, कन्वेक्शन नहीं यूज कर सकते।